हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन पहलवान ग्रुप इन ग्रुप ऑफ कॉलेज। टुडे डिस्कशन ऑन रेयॉन, एसिटेट रेयॉन, मिथाइल सेलुलोज, एल्जिनेट फाइबर्स। दोस्तों, आज हम एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसमें हम रेयॉन के बारे में अध्ययन करेंगे, एसिटेट रेयॉन के बारे में अध्ययन करेंगे एंड मिथाइल सेलुलोज के बारे में भी अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिल्क और वूल के बारे में अध्ययन किया था। बात करते हैं रेयॉन, इसका सिनोनिम्स होता है कृत्रिम सिल्क या आर्टिफिशियल सिल्क। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ रेयॉन, रेयॉन निम्न कॉर्निफर्स के काष्ठीय सेलुलोज या रीजनरेटेड सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है। फर्स्ट है पीसीए एविस, पीसीए एक्सिया एक्सिसा, इसकी जो कुल होता है वो होता है पाइनेसी। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स ऑफ रेयॉन, ये अमेरिका, कनाडा तथा जर्मनी में पाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ वुड सेलुलोज या काष्ठीय सेलुलोज का निर्माण कैसे किया जाता है, पौधे की लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उन्हें मिल्क ऑफ लाइम तथा सल्फर डाइऑक्साइड के साथ 9200 पाउंड पर स्क्वायर इंच पर 24 हावर्स के लिए 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। इस प्रकार लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े पल्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे धो करके सुखा लेते हैं। यह सूखा हुआ पल्प हल्का आर्द्रता ग्राही तथा रंग में सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ रेयॉन, रेयॉन का निर्माण कैसे होता है। इस जो विधि हमने बताई है, इससे प्राप्त वुड सेलुलोज को 15-20% कास्टिक सोडा विलयन में 2 आवर्स तक रखने के पश्चात उसे खूब निचोड़ते हैं। इस प्रकार केक के समान प्राप्त पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, जिससे एक बंद पात्र में इसके 60% मात्रा के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाकर रख देते हैं। इस प्रकार सेलुलोज फूल करके नारंगी रंग के जिलेटिन के समान पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है। यह पदार्थ 1-2 दिन में परिपक्व होकर सेलुलोज जैंथेट नामक गाढ़े द्रव में बदल जाता है। अब इसे एक छिद्रित धातवीय प्लेट के द्वारा एक पात्र में डालते हैं, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड तथा सोडियम सल्फेट भरा होता है। इसमें सेलुलोज जैंथेट कोगुलेट होकर के महीन धागों में कन्वर्ट हो जाता है। इन धागों को जल तथा 0.3-0.4% सोडियम सल्फाइड के साथ 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर धोकर इनमें उपस्थित बची हुई सल्फर को दूर कर लिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, रेयॉन कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे एसिटेट रेयॉन, क्यूप्राइमोनियम रेयॉन, विस्कोज रेयॉन तथा नाइट्रेट रेयॉन। सर्जरी में मुख्यतः विस्कोज रेयॉन उपयोग में लाया जाता है। कॉटन की अपेक्षा विस्कोज रेयॉन में 1.5 गुना अधिक तनाव झेलने की क्षमता पाई जाती है। रेयॉन के धागे पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनका व्यास 25 माइक्रोन होता है। नमी की उपस्थिति से रेयॉन का टेंसाइल स्ट्रेंथ 60% कम हो जाता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ रेयॉन, रेयॉन में मुख्यतः सेलुलोज पाया जाता है। रेयॉन के धागों में लगभग 0.03% तक सल्फर भी उपस्थित होता है। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट ऑफ रेयॉन, NY50 आयोडीन तथा 66% H2SO4 के साथ रेयॉन गाढ़ा नीला रंग देते हैं। रेयॉन H2SO4 में घुल करके कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें डाइफिनाइल अमाइन डालने से नीला रंग प्राप्त होता है। क्यू ऑक्साम विलयन में रेयॉन पहले फूल जाते हैं तथा कुछ समय बाद उसमें घुल जाते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रेयॉन, रेयॉन का उपयोग लिंट, गौज तथा अदर सर्जिकल ड्रेसिंग के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है एसीटेट रेयॉन, सिनोनिम्स सेलुलोज एसीटेट, एसीटेट रेयॉन का निर्माण वुड सेलुलोज को एसिटिक एसिड, एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
क्रिया करके एसिटाइलेटेड सेलुलोज प्राप्त किया जाता है, जिससे जलीय अपघटन द्वारा एसीटोन सॉल्युबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जब इसे गर्म वायु के चेंबर में रखकर इसमें एसीटोन बिलियन का छिड़काव किया जाता है तो एसीटेट रेयन के धागे तैयार हो जाते हैं। डिस्क्रिप्शन, विस्कोस रेयन के समान एसीटेट रेयन भी चमकदार तथा ऐंठन युक्त धागा होता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट, एसीटेट रेयन सेलुलोज अणुओं का बना होता है। नेक्स्ट है केमिकल टेस्ट, एसीटेट रेयन 60% सल्फ्यूरिक एसिड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में घुलनशील या विलयशील होता है। यह एसीटोन तथा 90% फिनॉल में विलयशील है। यह आयोडीन तथा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ पीला भूरा रंग देता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ एसीटेट रेयन, अवशोषण की क्षमता की कमी के कारण एसीटेट रेयन का उपयोग सर्जिकल ड्रेसिंग में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग सेलुलोज एसीटेट फिल्म्स, सिनेमा फिल्म, जलरोध यानी वाटर प्रूफ फाइब्रिक्स तथा वार्निश के निर्माण में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मिथाइल सेलुलोज, सिनोनिम्स होता है मिथोसेल, सेलोथिल, टाइलोज, सेलुलोज मिथाइल ईस्टर। इसका जो प्रिपरेशन है वो कैसे किया जाता है, इसका निर्माण वुड सेलुलोज के क्षारों तथा मिथाइल क्लोराइड द्वारा क्रिया करा करके किया जाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ मिथाइल सेलुलोज, यह सफ़ेद रंग का महीन पाउडर होता है। यह स्वादहीन तथा गंधहीन होता है। यह जल को एब्जॉर्ब करके कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। एल्कोहल में यह अविलयशील होता है। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ मिथाइल सेलुलोज, मिथाइल सेलुलोज का उपयोग कब्ज के उपचार में किया जाता है। इसका उपयोग सस्पेंशन, पेस्ट, लोशन तथा आँख की औषधियों की विस्कोसिटी बढ़ाने में किया जाता है। नेक्स्ट है एल्जिनेट फाइबर्स, इसका सिनोनिम्स होता है एल्जिन, सोडियम एल्जिनेट। बायोलॉजिकल सोर्स होता है इसका एल्जिनेट फाइबर्स कार्बोहाइड्रेट प्रकृति के होते हैं, जिनका निष्कर्षण समुद्रीय भूरे रंग की झाड़ियों से तनु क्षारों द्वारा किया जाता है। समुद्री झाड़ियों मुख्यतः मैक्रोसाइटिस पायरीफेरा नामक पौधे से एल्गिन का निष्कर्षण किया जाता है। फैमिली है इसकी लेसोनियसी, ऑर्डर होता है रोडोफाइसी। जियोग्राफिकल सोर्स, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र तथा दक्षिण कैलिफोर्निया में पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन, समुद्री झाड़ुओं को सुखाकर इन्हें तनु अम्लीय एसिड से धोने के पश्चात उन्हें मिल में छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया जाता है। अब इन टुकड़ों में जो है कटे हुए टुकड़ों को सोडियम कार्बोनेट ब्लेंड के साथ pH 10 पर पकाया जाता है। गर्म अवस्था में ही तरल पदार्थ को छानकर उसमें कैल्शियम क्लोराइड ब्लेंड मिलाया जाता है। इस प्रकार अवक्षेपित कैल्शियम एल्जिनेट को अलग करके उनमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया जाता है। अब इसे शुद्ध करने के पश्चात सोडियम एल्जिनेट के रूप में अवक्षेपित कर दिया जाता है। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, एल्जिन चमकदार हल्के क्रीम रंग के पाउडर होते हैं। यह वेजिटेबल फाइबर्स के सभी रासायनिक परीक्षणों को प्रदर्शित करता है। जल के साथ शीघ्रता से विलयशील होकर के एल्जिन गाढ़ा कोलाइडल विलयन बनाता है। नेक्स्ट है केमिकल कॉन्स्टिट्यूंट, एल्जिनिक एसिड का सोडियम साल्ट, एल ग्लूरोनिक एसिड का पॉलीमर, डी मेनरोनिक एसिड का पॉलीमर। नेक्स्ट है यूजेस, सोडियम एल्जिनेट दुष्प्रभाव रहित तथा आसानी से स्टेरिलाइज हो जाने के कारण एब्जॉर्बेबल हीमोस्टेटिक ड्रेसिंग के रूप में उपयोग में लाया जाता है। जली त्वचा पर गौज के रूप में से यूज किया जाता है। पैथोलॉजिकल लैब में स्वैब के रूप में, बैक्टीरियोलॉजिकल टेस्टिंग में। नेक्स्ट है एल्जिनेट गौज, इसका निर्माण धातु के बनी प्लेटों में से सोडियम एल्जिनेट ब्लेन को दबाव के साथ डाल करके करते हैं। इस प्रकार सोडियम एल्जिनेट कैल्शियम एल्जिनेट के पतले धागों में कन्वर्ट हो जाता है। इस फाइबर्स को बुनकर गौज का निर्माण किया जाता है। एल्जिनेट बूल, एल्जिनेट बूल के निर्माण के लिए एल्जिनेट के धागों का कार्डिंग किया जाता है। एल्जिनेट गौज की अपेक्षा एल्जिनेट बूल के निर्माण में कम लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ती है।
एल्जिनेट ड्रेसिंग का एब्जॉर्प्शन अपेक्षाकृत कम होता है, अतः इसका उपयोग विशेषकर ऐसी सर्जरी में किया जाता है जिनमें अवशोषित हो जाने वाले टाँकों की आवश्यकता होती है, यानी एब्जॉर्बेबल स्टिचेस की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने रेयन, एसिटेट रेयन, मिथाइल सेलुलोज, एल्जिनेट फाइबर्स के बारे में अध्ययन किया है, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल्स में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, जो कि सर्जरी और सूचर्स के रूप में हम इन्हें यूज करते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।